जुकेट so चिल्ड्रन तो ये लाल में जो दिया गया है दोग वन कैरेक्टर बिल्डिंग स्टेबिलिटी रिजिलियंस कंटेंटमेंट वेल्थ नॉट मनी जो आर्थिक धन संपत्ति है वो और एक बड़ा जो जो हम लक्ष्य करते हैं जहां हम हर दूसरे आदमी के बारे में सोचता है इसमें फर्क है यू आर लुकिंग एट चरित्र निर्माण स्थिरता, सहानुभूति लौटाव संतोष ये है आपका जो स्किल्स जो आपके बच्चों को चाहिए अब आप कहोगे अरे ये सब आ जाएगा ये सब नहीं आता है ये सब ऐसे नहीं आता है ये हमको जब बच्चे छोटे होते हैं तब से हमको वैल्यूज सिखानी चाहिए और अगर हमने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया बच्चों के सामने की हम हमेशा सोचते हैं कि आपको आप फर्स्ट क्यों नहीं आए क्लास में आप ये क्यों नहीं कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो ट्यूशन को भगाओ कोडिंग को भगाओ यहाँ भगाओ वहां भगाओ ऐसे हम लोग ने अगर बच्चों को बच्चों के ऊपर जुल्म किया तो वो बच्चे घबरा घबरा के ऊपर आएंगे उनको वो स्थिर फीलिंग नहीं होगा कि अगर ये सब निकल गया तो फिर और हम अकेले रह गए तो हम कैसे लड़ेंगे ये एक बहुत बड़ी चीज है आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस Because when they are small, we do not think about this. We are constantly thinking why did they not come first in class? Why are they not getting 100% in, in maths? From morning till night, you are making them run. Do not do that. Don't be that kind of a parent. When she was growing up, I used to tell her, you can be whatever you like. It doesn't matter. You should be happy with what you are. Very important. Happiness is not easy to get. Subkuch. में रह के बहुत ही मिजरेबल लोग बहुत ही असंतुष्ट लोग आपको दुनिया में मिलेंगे बहुत सारे तो आप गलत रास्ते पे मत भागिए। वो रास्ता खुदबत खुद मोड़ के आपके तरफ आएगा आई प्रोमिस यू ठीक है तो जब मैं अंग्रेजी की बात कर रही हूं इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो है ये बहुत जरूरी है आपके बच्चे छोटे हैं जो चीज वो अब सीख सकते हैं इन द लोअर क्लासेस व्हाट योर चिल्ड्रन कैन पिक अप इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश दे विल नॉट बी एबल टू डू इट लेटर ऑन इफ यू आर 30 इयर्स ओल्ड अगर आप अब सीखना चाहते हो अंग्रेजी तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो जल्दी से सीख जाएंगे अगर सीख जो है वो गलत डायरेक्शन में नहीं हो क्वेश्चन आंसर्स मीनिंग स्पेलिंग इसके ऊपर जो हम जोर डालते हैं इसके ऊपर जो हम हम अपना दिलो जान लुटाते हैं बच्चों बच्चों के इसके जिसके ऊपर ये बिल्कुल काम नहीं आएगा इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि आपका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए आपका जो आप जो लिखते हैं उसमें वोकेबलरी उसमें आइडियाज ये सब होनी चाहिए

हम चाहते हैं दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी उसके बाद जो होता है दैट इज लाइफ एक इंटरव्यू होगा एक ग्रुप डिस्कशन होगा एक ऐसा राइटिंग होगा इन विच द चाइल्ड हैज टू टॉक अबाउट वन सम ऑफ़ हिज फेलियर्स वो फेलियर से उभर के कैसे आया ऐसे बच्चों को सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज जो है उसमें एडमिशन मिलते हैं उनको कोई परवाह नहीं है आपकी आपके परसेंटेज कितने आए अगर आपके स्कूल से कोई भी बच्चा जॉब के लिए जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका बोर्ड कौन सा है क्या आप आईबी बोर्ड से आए हो क्या आप एसएससी बोर्ड से आए हो ये कोई पूछेगा नहीं वो ये देखेंगे कि कैसे बात करता है उसके आइडियाज कैसे है उसका जो स्वभाव कैसा है उसका कर्टसी कैसा है अगर कोई बात की कि अगर आपके पास से सब कुछ आपका सब पैसा चला गया तो आप क्या करोगे ऐसे सवाल किए जाएंगे बच्चों से आप समझ रहे हो कोई भी आपके बच्चे को आप उसके बोर्ड के ऊपर कोई आपको नौकरी नहीं देगा कोई नहीं देगा ये नहीं बोलेंगे अच्छा आप एस बोर्ड से हो कोई बात नहीं देर इज नो नीड फॉर यू टू स्पीक टू मच इंग्लिश ओ यूर मेकिंग मिस्टेक नेवर माइंड कम एंड टेक द जॉब ये कोई बोलेगा So, if you are not ambitious for your children, if you don't say that my child should have excellent ideas, excellent language, excellent character, if you don't want excellence in your children, you will not get it. Okay? So this is one thing to remember. So 21st century skills, age. जहां पे एक नौकरी लग जाती थी देन आफ्टर दैट टिल योर रिटायरमेंट नो बडी टेक्स यू आउट ऑफ दैट जॉब वो जमाना था अब वो जमाना नहीं है सो इफ यू ट्रीट दीज चिल्ड्रन लाइक द वे यू आर ट्रीटेड यू आर गोइंग इन द रोंग डी फर्स्ट सेंचुरी फॉर जॉब एडमिशन फॉर प्रमोशन एवरीथिंग ये विशेषता आपके पास होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन कोलेबोरेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन क्रिटिकल थिंकिंग टेक्नोलॉजी ये सब आनी चाहिए कोई पूछेगा नहीं कि आपका थर्ड स्टैंडर्ड में जो टेक्सट बुक था उसका जो प्रोज का चैप्टर में रहीम नाम का लड़का बाहर जाके कितने नारियल खरीदे ये क्वेश्चन कोई पूछेगा कोई नहीं पूछेगा तो आप वो क्वेश्चन के पीछे अगर आपने भागना शुरू किया देन स्किल्स यू विल नॉट बी एबल टू द टाइम टू डू इट इसलिए मैं चाहती हूं कि आप अपने टीचर्स के साथ आप सहयोग से बात पेश आए ना कि उनको बताए कि क्या करना चाहिए कि, कितने नोटबुक्स भरने चाहिए आप मत कीजिए वो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास छोड़ दीजिए वो बताएंगे आपको कि किस तरह का प्रोग्राम हमको करना है ठीक है फॉर एवरीथिंग एल्स अगर आपको कोई कोई uh, क्या बोलते हैं फैक्ट चाहिए डिड अकबर रूल या वॉट इज द नेम ऑफ द केमिकल फॉर सॉल्ट या वॉट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे ये सब चीजों के लिए ना गूगल है आप समझ रहे हो ना इसके लिए उसको मग करने की जरूरत नहीं उसको रोट करने की जरूरत नहीं उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है ये सबके लिए आपके पास साधन है आज बट ये जो स्किल्स है मैं बता रही हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट